Hello children, today we are going to study English about the little plant. The little plant means एक छोटा पौधा. छोटा पौधा आपको पता है कि छोटा पौधा कहाँ से आता है, किस प्रकार वो निकलता है, उसका जन्म कैसे होता है. तो आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं. इन द हर्ट ऑफ अ सीड, बीज जो होता है, बीज हृदय में, एक बीज जैसा बीज जो होता है, एक हृदय होता है, हृदय जैसा होता है. हमारा जो धड़कन है, हम आपके पास भी हर्ट है, सबके पास हर्ट है, उसी तरह एक पौधे का भी एक हर्ट होता है जो बीज के रूप में उसको हम जानते हैं. इन द हर्ट ऑफ अ सीड बीजों में, बीज जो होता है एक हर्ट जैसा होता है. वरिड डीप टू सो डीप, वरिड मतलब होता है उस सीड को हम गहरे गड्ढे के अंदर, मिट्टी के गहरे अंदर, गहरा गड्ढे के अंदर उसको हम दफना देते हैं, मतलब उस बीज को उसके अंदर डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं. ए टाइनी प्लांट ले फास्ट स्लीप, उस मिट्टी के अंदर, हम गहरे गड्ढे के अंदर एक छोटा सा बीज हृदय के रूप में डालते हैं, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट सोए रहता है. उसको एहसास नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कब बाहर निकलना है. वो कैसे बाहर निकलेगा, जब हम उसके ऊपर उसको हम बताएंगे कि चलो तुम्हारा अब समय हो गया है, अब ऊपर आओ. लेकिन बीज डाल देने के बाद ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ देना है, उसके ऊपर पानी डालना है, उसको केयर कराना है, उसके सन, सूर्य की रोशनी उसके ऊपर आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, तभी उसमें से एक छोटा बेबी प्लांट बाहर आता है. और कैसे आता है, अभी वो बेबी प्लांट सो रहा है बीज में के रूप में, अभी वो सो रहा है, वो बाहर कैसे आएगा, आइए देखते हैं. वैक सेड द सनशाइन, सनशाइन मतलब धूप. सुबह सुबह सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं, सनशाइन होती है, वो धूप कह रहा है जागो, उस बीज को कह रहा है जागो. एंड ट्रिप टू द लाइट, और सूर्य की रोशनी भी रेंगते हुए इस बीज के अंदर, मिट्टी के अंदर तक, बीज के पास तक पहुंच जाती है. सूर्य की किरणें जो हैं, उसकी जो लाइट है, वो रेंगते हुए उस बीज के पास तक पहुंच जाती है और कहती है जागो. वेक सेड द वॉइस, वो सूर्य की किरणें, उसकी वो उसका रोशनी रेंगते हुए उस बीज के हृदय तक पहुंचती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है जागो जागो बेबी प्लांट जागो. ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें, रेन ड्रॉप्स चमकते हुए वर्षा की बूंदें भी उस बीज के पास तक पहुंच जाती हैं. जब वर्षा की बूंदें भी मिट्टी के अंदर उस बीज तक पहुंच जाती है और उसका भी आवाज़ आता है जागो जागो. सूर्य की किरणें की आवाज़ जाती है उस बीज तक जागो, फिर वर्षा की बूंदे की आवाज़ भी उस तक जाती है, बोलता है जागो, अब तुम्हारे जागने का वक्त हो चुका है. द लिटिल प्लांट हियर्ड इतनी सारी आवाज़ एक साथ सुन, आवाज़ें आती हैं तो वो छोटा बेबी प्लांट उनकी आवाज़ों को सुनता है. वर्षा की बूंदों का, सूर्य की किरणों का, सूर्य की लाइट का, रोशनी का, सबकी आवाज़ को वो छोटा सा प्लांट बीज के रूप में सुनता है.
एंड इट रोज टू सी, और वह गुलाब सा दिखाई देता है, वह एक गुलाब सा दिखता है। व्हाट द वंडरफुल, कितना आश्चर्यजनक है। आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, बाहर की दुनिया ऐसा भी हो सकता है। जब वो बीज बेबी प्लांट के रूप में जब रोज जैसा बाहर निकलता है, गुलाब की तरह बाहर निकलता है, तो वो बाहर की दुनिया को देख कर आश्चर्य हो जाता है कि वाओ, बाहर की दुनिया ऐसा भी हो सकता है। तो वो जब बीज को हम मिट्टी में डालते हैं और उस पर सूर्य की किरणें, हवा, पानी, ये सब पड़ता है, तो वो बीज एक छोटा सा बेबी प्लांट के रूप में मिट्टी के बाहर आ जाता है। और वो बाहर आते ही देख करता है संसार को कि क्या बाहर की दुनिया ऐसा भी हो सकता है, उसको बहुत ही आश्चर्य लगता है। तो आपको इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स लिखे हैं वो आपने उसे आप नोट्स कॉपी में नोट करेंगे, और साथ में इस पोयम को भी अच्छे से रीड करेंगे। आइए एक बार और पोयम को अच्छे से रीड करते हैं। इन द हार्ट ऑफ अ सीड बरीड डीप टू सो डीप अ टाइनी प्लांट ले फास्ट स्लीप। इसे आप अच्छे से रीड करें और हमें वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू मैसेज करें। इसके आगे का एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेंड करेंगे।